आइए सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। ऐसे हमेशा क्लास में बोलते हैं, आप उस पर विचार करिएगा। आज जो एग्जाम होता है, जैसे रेलवे का एग्जाम होता है, जैसे कोई एक चैप्टर ले लीजिए, जैसे चैप्टर का नाम है SCM LCM ले लेते हैं, तो रेलवे में SCM LCM से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए कि सारे सेट में 2 क्वेश्चन ही पूछा, 100 सेट, 100 सेट से एग्जाम हुआ, तो 100 गुना 2 200, टोटल एग्जामिनर को 200 क्वेश्चन चाहिए। एक चैप्टर से उसको 200 क्वेश्चन चाहिए। अब सोचिए, वो 200 क्वेश्चन उसको चाहिए। अब आपको कोई टीचर बैच में चैप्टर पढ़ाते हैं SCM LCM, तो वो कैसे कह सकते हैं कि कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। एक समय था, बहुत वर्षों से हम भी पढ़ा रहे हैं, मतलब 95 से इस लाइन में लगे हुए हैं। उस समय कभी एग्जाम होता था तो ऑल ओवर इंडिया में एक दिन एग्जाम होता था। ऐसे तो अलग अलग बदलते रहा एग्जाम, पहले बोर्ड बाई बोर्ड होता था, तो एग्जाम जैसे कोई एक बोर्ड का एग्जाम हुआ तो ऑल ओवर इंडिया में एक दिन एग्जाम होता था। हम लोग एग्जाम के पहले 10 क्वेश्चन सेट करते थे और कहते थे, चलिए ये क्वेश्चन आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। इवन SSC में भी, SSC का पहले एग्जाम मेन होता था, सब्जेक्टिव एग्जाम होता था। उस समय हम लोग गेस करते थे, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन गेस करते थे, उसमें लड़ जाता था। लेकिन आज एग्जामिनर को 200 क्वेश्चन चाहिए, तो कोई टीचर कैसे गेस कर सकता है कि यहीं पढ़ करके जाइएगा। कोई कोई बुक में तो SCM LCM से 200 क्वेश्चन भी नहीं है। तो ये सब बात है। तो कहने का मतलब है कि आज आप लोग के लिए वही फायदेमंद है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़िएगा वही आज के लिए फायदेमंद है। समय अनुसार पैटर्न बदलता है, तो आज का जो पैटर्न चल रहा है वो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने का। और हमेशा क्लास में देखे, पढ़ाई क्लासरूम तक ही होता है, क्लासरूम के बाद तो प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। आप सेट बनाने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो क्लासरूम का जो पढ़ाई होता है वही शुरू से अंतिम तक काम देता है, वहीं आपका एक कंसेप्ट होता है, वहीं आपको बेस बनाता है। तो यदि आप क्लासरूम में कम पढ़ने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि थोड़े क्वेश्चन पढ़ के पास कर जाए, तो आज वैसा समय नहीं है। तो क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए। ये और जो नए शिक्षक हैं उन लोग को भी हम सलाह देंगे कि क्लासरूम में भरपूर क्वेश्चन पढ़ाइए। जितना भी जगह क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन नजर से गुजरे, कोशिश किया जाए कि सब बता दिया जाए। यही ना होगा, 6 महीना समय ज्यादा लगेगा और क्या होगा। लेकिन अभी का जो 6 महीना ज्यादा समय दीजिएगा वो बाद में आपको बचा देगा। और अभी आप ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा पढ़ के निकल जाए, तो होने वाला तो है नहीं, और बाद में आपको सालों साल लग जाएगा और एक समय आप ऊब करके एग्जाम का तैयारी छोड़ दीजिएगा। तो यह हमेशा ध्यान दीजिएगा, आज का जो समय चल रहा है वो ज्यादा पढ़ने का समय है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि अभी आप लर्नर हैं, बिगनर हैं। तो क्लासरूम में जितना ज्यादा पढ़िएगा वही सब दिन समय देगा। तो इस पर आप विचार करिएगा, ये एकदम सत्य है, आज के दिन में बिल्कुल सत्य है। आज के दिन में शॉर्टकट पढ़ करके एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है। यदि आपको कोई कहता है कि चलिए क्या इतना पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़िए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, पास कर जाएगा, तो इसका मतलब है गलत है। वह कोई बोलता है तो गलत बोलता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है, पूरा किताब ही इम्पोर्टेंट है। जब एग्जामिनर को एक एग्जाम के लिए उसको 200 क्वेश्चन की जरूरत है, तो 200 क्वेश्चन में क्या 10 क्वेश्चन को वो रिपीट करते रहेगा? नहीं, तो पूरा बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इस पर विचार करिएगा।